सो हेलो एवरी वन दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टर माइंड तो कई जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर सर्क्यूलेटरी सिस्टम चैप्टर तो जो लेट्स बिगिन लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं लेट मी टेल यू दैट हमने एक सीरीज लॉन्च किया है सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है आईसीसी रिवीजन सीरीज 2021 इसका मिशन क्या होगा कि हम टारगेट करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आई में पर्टिकुलरली सिक्स मेजर सब्जेक्ट्स उस पर हम फोकस करने वाले और जितना भी सब्जेक्ट्स होगा ये सारा सब्जेक्ट्स का जितना भी चैप्टर्स होगा सारे चैप्टर्स का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन तो ये सीरीज जो है स्पेशली आईसीसी 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इसके साथ साथ जितना भी ये सीरीज में वीडियो आएगा मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो सो हेडिंग आप देख सकते हो बायो का सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर का हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर रिविजन सो लेट्स स्टार्ट विद द विदेशन सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज Name the mineral iron needed for the formation of blood clot. So, mineral iron which is needed for the blood clot, you need to choose the correct option. Four options. First option is potassium, then you have sodium, then C is calcium, and D is iron. So chapter circulatory system chapter mein definitely padaoga blood clot consa Mineral iron is needed. So the correct option will be option number C, that is calcium. So calcium will be the answer to question number one. Moving ahead to question number two. Question number two is identify the odd one from the following. So you have to choose the odd one. There are four options given. First is basophil, B is neutrophil, C is ozinophil, and D is lymphocyte. Now, they call basophil, neutrophil, and ozinophils. These are all types of granulocytes except this lymphocyte. So, lymphocyte will be the correct option. Because this is the odd one here, because basophil, ho gaya, neutrophil, ozinophil eosinophil, gaya, gaya. they are all the types of granulocytes. But if you talk about lymphocytes, so this is a granulocyte. It belongs to a granulocyte. That is your lymphocyte. So these are all common. These are same. But this belongs to another category that is a granulocytes. So lymphocyte will be the correct option to question number two. Moving ahead to question number three. क्वेश्चन नंबर थ्री इज नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट्स नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर बी ए टी और एमसीक्यू या फिर कोई भी चीज में आ सकता है नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर सेक्शन बी में भी आपको मिल सकता है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट्स So, options are A is carboxyhemoglobin, B is hemoglobin, C is chlorochronine, and D is thrombin. So, the correct option is B, that is your hemoglobin. Hemoglobin is the respiratory pigment which is present in the blood. Moving ahead to question number 4. Question number 4 is agranulocytes granulocytes are. So, there are four options given A lymphocytes and monocytes. बे इज लिम्फोसाइट्स एंड बैसोफिल्स सी इज ओजिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स एंड डी इज ओजिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स सो अगर आपने अच्छी तरीके से बुक से पढ़ा है प्रिपरेशन किया है तो आपको पता होगा अग्रैन्युलोसाइट्स तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था लिम्फोसाइट इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी लिम्फोसाइट इज अग्रैन्युलोसाइट और दूसरा चीज होगा मोनोसाइट्स तो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स जो ऑप्शन में दिया है दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दीज आर द टाइप्स ऑफ अग्रन्युलोसाइट्स ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन सो फोर का आंसर होगा ऑप्शन ए मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज द प्रोसेस बाई विच व्हाइट ब्लड सेल्स दैट इज डब्ल्यू बी सी एंड गर्ल्फ हार्मफुल माइक्रोब्स और बैक्टीरिया यू कैन से तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट इज डायपेडिस देन यू हैव एंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस और गटेशन गटेशन तो यहां पर टोटली रॉन्ग होगा बिकॉज दिस टर्म इट डज नॉट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर ये जो गटेशन है यह टर्म ट्रांसफिरेशन चैप्टर में दिया है अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो सो दिस टर्म इज देयर इन ट्रांसफिरेशन चैप्टर ना ये थ्री ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी फैगोसाइटोसिस द प्रोसेस बाई विच डब्ल्यू बी सी एंड गर्ल्स हार्मफुल माइक्रोब्स इट इज फैगोसाइटोसिस सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन

पर्सन विद दिस ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स नाउ ब्लड ग्रुपिंग का क्वेश्चन है ये तो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट इज ए बी देन ओ एंड ए बी तो इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको कि यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ब्लड ग्रुप विथ ओ पॉजिटिव दे आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर सो पीपल हैविंग ओ ब्लड ग्रुप दे आर यूनिवर्सल डोनर्स नाउ इसमें और एक चीज है ये है यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर इज ओ ब्लड ग्रुप इफ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सल रेसिपियंट रेसिपियंट है ए बी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि यूनिवर्सल रेसिपियंट कौन है तो तब आपको ए बी को टिक करना पड़ता है दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन बट यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर पूछा है सो यू हैव टू चूज दिस ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड वॉट इज योर ब्लड ग्रुप यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो क्वेश्चन नंबर एट इज द ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज विद इन द ऑप्शन ए इज secretory membranes b is pericardium c is veins and d is septum now this answer that is answer to question number 8 you are going to tell me in the comment section below tell me the answer of question number 8 in the comment section i'll be reading all your comments so make sure that you give proper answer to question number 8 it's very easy सो इट्स गोइंग टू बी अकाइड ऑफ होमवर्क फॉर यू तो टोटल एट डिफरेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डिस्क किया कवर किया एट डिफरेंट एमसीक्यूज को एंड दीज एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस इसके साथ साथ इसका जो कि पीडीएफ है पीडीएफ या फिर आप जो भी बोलो नोट्स विथ प्रॉपर आंसर्स आपको नीचे टेलीग्राम लिंक है अगर टेलीग्राम का लिंक अगर आपने ज्वाइन किया तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा बट अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं हो सो मेक श्योर दैट you are there in the telegram group in order to get access to all this notes and all plus instagram also i'll be posting this so this was the video thank you so much for watching and do not forget to answer question number 8 in the comment section thank you